बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तीन गुनाह माफ़ नहीं होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के तीन किस्म के गुनाह माफ़ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे उनको माफ़ कर देगा, लेकिन इन तीन गुनाहों को कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। नंबर एक, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर दो, जादू करना या करवाना। नंबर तीन, अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। तशरी, यानी अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा और जितने गुनाह होंगे अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। शिरक, इस कदर संगीन जुर्म है कि शिरक करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। जादू, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद, ये ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की साल हर साल की तमाम नमाजें, तलावत, सदकात और दीगर इबादात एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लिहाजा इन गुनाहों से बचने का एहतमाम किया जाए। जज़ाकअल्लाह।